जय हिंद मेरे भाइयों एवं बहनों, एक बार फिर से हम इस YouTube चैनल में आपके लिए कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए होम साइंस यानी गृह विज्ञान के जो दीर्घ उत्तरी यानी लघु उत्तरी क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन बच्चों, दहेज प्रथा से जो है क्या हानियाँ हैं अथवा करे देगा, दहेज प्रथा समाज को क्या हानियाँ हैं अथवा दहेज प्रथा की हानियाँ लिखिए, ऐसे करके आएगा तो हम लोग उत्तर लिखेंगे। सबसे हिंट डालेंगे दहेज प्रथा से हानियाँ। देखो बहुत सरल क्वेश्चन है, आप अपने मन से बना के भी लिख सकते हैं। देखो बच्चों, दहेज के कारण समाज में अनेक कुप्रथाएं तथा विषमताएं पैदा हो रही हैं। वास्तव में दहेज एक कलंक है जिसके कारण एक नवविवाहिता का भविष्य जो है असुरक्षित रहता है। दहेज का समाज पर निम्न प्रभाव पड़ता है। नंबर एक, वधुओं के साथ दुर्व्यवहार। जिन लड़कियों को अधिक दहेज नहीं मिल पाता यदि वे किसी दहेज दानव के साथ ब्याही जाती हैं तो ससुराल में ना तो उन्हें सम्मान दिया जाता है और ना ही अच्छा व्यवहार। दहेज कारण बच्चों बहुओं के सभी गुण व योग्यताओं को भी जो है ध्येय दृष्टि से देखा जाने लगता है। इस पर भी जब उनको शांति नहीं मिलती तो बहुओं को मायके से अधिक धन लाने के लिए तरह तरह से परेशान करते हैं और उन्हें जलाकर मार देने में अपनी बहादुरी समझते हैं जो उनकी दानवता का प्रमाण होती है। आत्महत्या। अधिक दहेज के मांग के कारण कभी कभी लड़कियां तथा उनके माता पिता को इतनी परेशानी होती है कि आत्महत्या कर लेते हैं। पारिवारिक संघर्ष। दहेज ना लाने पर बहू की सास व नंदे ताने देकर उससे अपमानित करती हैं, तरह तरह से परेशान करती हैं। अपने लड़के द्वारा बहू का पक्ष लेने पर भी उसे खरी खोटी सुनाती हैं। परिणाम स्वरूप परिवार में संघर्ष शुरू हो जाता है। बेमेल विवाह। दहेज के अभाव में कभी कभी लोग कन्या का विवाह अनपढ़ अपाहिज बूढ़े कुरूप अथवा बेरोजगार के साथ भी कर देते हैं। ऐसी स्थिति में कन्या को जीवन भर अपनी इच्छाओं व रुचियों का दमन करना तथा कष्ट उठाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन बच्चों देखेंगे। देखो कई वर्षों से परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, बाल विवाह के क्या दोष हैं अथवा करके देगा, कम उम्र में विवाह का बालिका पर क्या कुप्रभाव पड़ता है अथवा बाल विवाह का लड़कियों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो बच्चों, सबसे पहले हम जो हिंट डालेंगे बाल विवाह के दुष्परिणाम। जैसा नाम से लग रहा है बच्चों, बाल विवाह ने छोटी उम्र में विवाह होना। तो बच्चों क्वेश्चन होम साइंस के गृह विज्ञान के बहुत कठिन नहीं होते हैं, आप क्वेश्चनों को मत छोड़ना बच्चों। जो बच्चा क्वेश्चन छोड़ेगा वो फेल हो जाएगा। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उसको आप बना के लिख सकते हैं। जितने भी शब्दों में पूछा गया, जैसे 2 शब्दों में है और 150 शब्दों में है, 100 शब्दों में है, उसको बच्चों जरूर आप लिखिए। जो क्वेश्चन नहीं आता उसको बना बना के जो है लिख डालिए, क्वेश्चन को छोड़िए मत। अगर क्वेश्चन छोड़ोगे तो नंबर आपको कम मिलेगा, आप फेल भी हो सकते हो। तो आइए देखते हैं बच्चों ये बाल विवाह के क्या दोष हैं। तो हिंट डालेंगे बाल विवाह के दुष्परिणाम। अल्प आयु में होने वाले विवाह को, पहले अल्प माने छोटी आयु में, अल्प आयु में होने वाले विवाह को व्यक्ति एवं समाज के लिए अहितकर माना जाता है। इस प्रकार के विवाह होने से संबंधित बच्चों पर अनेक दायित्व तो आ जाते हैं जिन्हें वहन करने में वे सक्षम नहीं होते हैं। अल्प आयु में विवाह हो जाने से लड़के लड़की की शिक्षा सुचारू रूप से नहीं चल पाती है। इसके अतिरिक्त अल्प आयु में विवाह होने से लड़के लड़की के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कम उम्र की लड़कियां मातृत्व के लिए भी सक्षम नहीं होती, मातृत्व से माता बनने में मातृत्व के लिए भी सक्षम नहीं होती हैं तथा उन्हें वाली संतान दुर्बल हो जाती है, तथा होने वाली जो संतान होती है वो दुर्बल यानी कमजोर हो जाती है। कम आयु में संतान को जन्म देने से उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अल्प आयु में होने वाले विवाह समाज एवं राष्ट्र की दृष्टि से भी अहितकर हो सकते हैं। बच्चों इस प्रकार के विवाह का प्रचलन होने से जनसंख्या में वृद्धि दर बढ़ सकती है। यानी छोटी छोटी उम्र में जब विवाह हो जाता है भाई, सारी बात है कि जनसंख्या जरूर बढ़ेगी, है कि नहीं, जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ सकती है। इसलिए अतिरिक्त अल्प आयु में विवाह का प्रचलन होने समाज में बाल विधवाओं की संख्या भी जो है क्या हो जाती है, बढ़ जाती है।